हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल सर। तो स्टूडेंट, आज हमने फिर न्यू क्वेश्चन करने एक्सरसाइज 12.2 के, ठीक है। क्लास जो है आपकी 10th है, ठीक है। तो आई होप आपको पिछले जितने भी लेक्चर हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 12.2 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो जो टॉपिक हम कर रहे हैं। चलो ओके, क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा गया है जहाँ पे, ए सोलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब क्या है इसमें कि सबसे पहले एक सोलिड है, वो किस शेप में बना है कि एक है हमारे पास कोन हेमिस्फीयर, ये देखो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक बना है कोन इस तरह का, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो रेडियस है ना, दोनों का जो रेडियस है वो क्या है, बोथ दे रेडियस वन और हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब देखो दोनों का जो रेडियस है वो वन है, रेडियस कितना है दोनों का, 1 सेंटीमीटर, और कोन की जो हाइट है ना वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में भी, जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है उतनी ही उसकी क्या होती है, हाइट। लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सोलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो अब हमने क्या करना, इनका जो है वॉल्यूम पता करना पाई की टर्म में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। अब बात जो पिछली एक्सरसाइज में थी ना, वो सरफेस एरिया की बात थी, अब बात हमने करनी जो इसके वॉल्यूम की बात करनी, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला, जहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो कोण का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच ओवर 3, और जो हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो दोनों के जो रेडियस हैं वो सेम है, हाइट भी सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कोण वो कितना है, इसको आर के साथ डिनोट कर लो, ठीक है, आर के साथ डिनोट करते हैं, वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, हेमिस्फीयर इसको भी आर के साथ डिनोट कर लो, वो भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट, उसके बाद बात करते हैं हाइट की, हाइट ऑफ कोण वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ हेमिस्फीयर वो भी 1 सेंटीमीटर। अब निकालना हमने इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोलिड वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। अब जो कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्केयर एच ओवर 3 प्लस कोन, ठीक है, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो पाई कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आर का स्केयर भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, एच प्लस आर,
एच प्लस आर फिर टू साथ में, ठीक है, पाई भी कॉमन, ओवर थ्री भी कॉमन, आर स्क्वेयर कॉमन, इधर से एच आ गया और इधर जे भी गया, पाई भी गया, आर स्क्वेयर भी गया और टू, ठीक है। तो चलिए अब इनकी वैल्यू फिल कर देते हैं, पाई की टर्म में आंसर देना इसको एज इट इज़। ये जो रेडियस है वो कितना, वन, तो वन का स्क्वेयर, हाइट भी वन है और इधर रेडियस भी वन है, ठीक है। ये वन आ गया, इधर टू इंटू वन, टू प्लस वन थ्री, तो अब ये देखो कितना आ गया, पाई बाय थ्री इंटू वन ब्रैकेट में वन प्लस टू, तो टू प्लस वन थ्री है, ये भी थ्री है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये आ गया पाई बाय थ्री इंटू थ्री, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका पास पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ गया, आंसर। आई होप स्टूडेंट ये सम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना, हमने लिखा है ए राचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एज इट्स ओन एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये ना इस शेप का है, ये देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इधर भी और इधर भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसके टॉप पर क्या लगे, कोण बन गए, ये देखिए ये कोण बन गए। अब कहता है कि ये जो लेंथ है ना टोटल, ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर की, ठीक है, और डायामीटर जो इसका मॉडल का है वो है 3 सेंटीमीटर, डायामीटर मॉडल का क्या है, 3 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट टू, अब कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, अगर इधर टू है तो इधर भी टू है। अब क्या करना आपने, ये इसकी हाइट पता करनी सिलेंडर की, तो देखो टोटल थी 12, इसमें से 2j माइनस हो गया और 2j वाला माइनस हो गया, टोटल कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। अब क्या निकालना, अब इसका वॉल्यूम निकालना, लिखा है ना वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, तो वॉल्यूम निकाल लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो कोन की हाइट अलग है, ठीक है, सिलेंडर की हाइट अलग है, तो फिर हम अलग अलग मानेंगे, बस अगर सेम है तो दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि डायामीटर दोनों का सेम है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट, आर के साथ डिनोट कर लो, अगर डायामीटर 3 है तो रेडियस 3/2 होगा, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, उसका भी आर रेडियस सेम 3/2 सेंटीमीटर। अब क्या है, हाइट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, इसको आप कोन की हाइट को स्मॉल एच के साथ डिनोट कर लो, इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो इसकी हाइट है वो कितनी है आपके पास, सिलेंड्रिकल की वो 8 सेंटीमीटर, 12 - 2 - 2, ठीक है, तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। अब आपने क्या निकालना, वॉल्यूम, ठीक है, तो चलो अब क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन सॉलिड। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन कितनी है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, प्लस। अच्छा एक चीज और, ये जो हाइट है ना इसको सिलेंडर की, इसको कैपिटल एच के साथ डिनोट कर लो, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई, क्योंकि रेडियस सेम है इसलिए स्मॉल पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 के साथ अगर डिवाइड कर देना तो वही हमारे पास आ जाता है कोण का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी। अब देखो जहाँ से कॉमन आ रहा है पाई और आर स्क्वेयर, इधर क्या बच गया, 2 स्मॉल एच फिर कैपिटल एच, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू फिल कर दो 22/7। आर दोनों का सेम था, कितना 3/2 × 3/2। अब देखो 2 × हाइट, स्मॉल एच थी कोण की हाइट, कोण की हाइट थी 2, ठीक है, प्लस इधर क्या 8, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करो, 22 बाय कटिंग कर दो, ये 11 है, ये 2 के साथ होगी कटिंग। ठीक है, तो ये चीज बड़े ध्यान से समझनी। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा मिस हो गया, ये देखिए, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, इसके नीचे आ जाना था, थोड़ा सा मिसप्रिंट चेंज करना पड़ेगा। जो वॉल्यूम ऑफ कोण वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच ओवर 3, ठीक है, तो वो 3 हमारा लगने वाला रह गया। हाँ जी चलिए, हाँ जी ये देखो नीचे लगना 3, तो क्या आना 2/3, ठीक है। चलो कॉम इसमें कॉमन निकाल लो पहले, कॉमन। अब देखिए कॉमन क्या निकलता है, इसमें पाई कॉमन निकल रहा है और आर स्क्वेयर कॉमन निकल रहा है, इधर लिखना 2h/3 प्लस इधर एच कैपिटल, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 3/2, इधर 2h कितना है 2, इधर 3 प्लस कैपिटल एच कितना है 8। अब देखो 22/7 3/2 इधर कितना आ गया 4/3 + 8/1, इसका एलसीएम ले लीजिए, 22/7 3/2 3/2, इसको जब सोल्व करेंगे ना 4 + 24 आएगा 3, 24 + 4 कितना आ गया 28/3, इधर 3/2 ये भी 3/2 इधर 22/7, ये देखो 7 × 4 = 28, 2 × 2 = 4, वो इसके साथ कटिंग हो गई 1 आ गया, ये 3 की इसके साथ कटिंग हो गई और क्या बच गया हमारे पास, 22 × 3 विच इज 66 cm³ आपका क्या आएगा आंसर। जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम स्टूडेंट क्यूब में आता है, उसके यूनिट क्यूब में लगते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास होता है ना एरिया, उसका स्केयर में यूनिट लगना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये आपको
क्लियर हो गया होगा तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।